वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लांट ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशंस। दोस्तों जो आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि पावर प्लांट में काम करते हैं। इवन बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए मैं ये स्पेशली वीडियो एडिट करना चाहूँगा क्योंकि उन लोगों को क्या है इस लेवल पर पता नहीं होता इन चीज़ों का। तो दोस्तों मैं देर ना करते मैं आज का जो टॉपिक है उसको रिलीव करता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों तो आज का टॉपिक है हम इस टॉपिक में हम जानेंगे कि प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस क्या होता है, अल्टीमेट एनालिसिस क्या होता है ऑफ द कॉल्स, कि भाई कॉल का कैसे अल्टीमेट एनालिसिस और प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस किया जाता है। आज हम इसके बारे में जानते हैं कि भाई जो प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस है उसके अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि उनके बारे में एनालिसिस की जाती है, और क्या है जो अल्टीमेट एनालिसिस है उसके रिगार्डिंग क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके अंदर और उनकी क्या एनालिसिस की जाती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं मेरे व्हाइट बोर्ड पर जहाँ पर मैंने आपको मैं अच्छी तरीके से इन दोनों एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे बने रहिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाएं, क्योंकि क्या है ये क्वेश्चन काफ़ी वाइस में पूछा जाता है और इवन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, सो दैट आपको इसके बारे में पता होना जरूर चाहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और कुछ नया सीख। जैसे कि हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं, तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस वर्सेस अल्टीमेट एनालिसिस। दोस्तों क्योंकि जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास है और जो हमारे सेकंड क्लास लोग हैं इनको इन टर्म्स के बारे में वो अवेयर नहीं होते, लेकिन इन द सेंस देखा जाए तो टाइम टू बेसिस क्या है उनको ग्रोव करना है, सो दैट ये टर्म उनके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो दैट आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वर्सेस अल्टीमेट एनालिसिस, कि भाई इस दोनों में क्या डिफरेंस है और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं फॉर कॉल टेस्टिंग, और अल्टीमेट एनालिसिस में क्या पैरामीटर टेस्टिंग किए जाते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ कॉल। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हमारा कोयला है उसी को टेस्ट करने में ये दोनों एनालिसिस काम आती है। तो दोस्तों मैं आपको काफ़ी अपने माय बेस्ट ऑफ नॉलेज क्या मैं आपको ये अपने बिहार पे काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊँ जो हमारे बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है, और इवन ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि जो अपने बॉयलर शिफ्ट इंचार्ज है या फिर अपर मैनेजमेंट्स के लोग हैं वो भी इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए लेकिन ये है स्पेशली क्या है ये हमारे बॉयलर फर्स्ट और सेकंड क्लास भाई लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस एंड व्हाट इज़ द अल्टीमेट एनालिसिस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ द अल्टीमेट एनालिसिस, एंड बिफोर दैट मैं आप स्टार्ट करूँगा यहाँ से अपना क्या है जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। सबसे पहले आपको जानना ये पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होता क्या है। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है इसको हम क्या बोलते हैं, यदि हिंदी में इसका वर्ड मीनिंग मैं आपको बताऊं तो वो क्या है अनुमानित, भाई जस्ट अनुमान लगाना है किसी टेस्टिंग का। वो क्या है जो ये मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम क्या बोलेंगे अनुमानित अनुमानित जांच। यदि इसको हिंदी में सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या है ये अनुमानित जांच, कि भाई हमें कोयले की जो जीसीवी है जो उसमें हीटिंग वैल्यू हमें उसका प्रॉपर वैसे एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन क्या है हमें क्या है इससे अनुमानित जांच का पता लगता है कि भाई हाँ हो सकता है कि इस कोयले की जीसीवी क्या है वो 5200 या फिर 5800 किलो कैलोरी पर केजी है। जस्ट ये एक सिंपल आइडिया देता है। तो क्या है इसी बेस पर जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है उसी पे हमारा जो एस हैंडलिंग सिस्टम है कोल हैंडलिंग सिस्टम है वो डिजाइन होता है। सो दैट इसमें मेन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें मेन फैक्टर्स होते हैं कि मॉइस्चर जो इसमें कैलकुलेशन की जाती है वो किस किस कंस्टिट्यूएंट की जाती है, वो है सबसे पहले क्या मॉइस्चर है, सेकेंड है वोलेटाइल मैटर, थर्ड है एस और फोर्थ है फिक्स कार्बन। सबसे पहले दोस्तों ये सारी चीज़ें फैक्टर की जाती है मैं आपको बताऊंगा।
दोस्तों जैसे कि अपना जो मॉइस्चर है दोस्तों, क्या है जो मॉइस्चर होता है फील्ड के अंदर, वो क्या है बिल्कुल अनडिज़ायरेबल होता है। उसको यदि किसी फ्यूल में जो मॉइस्चर होगा, आप लोगों को पता है क्या, तो उसका एक तो हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, और देखा जाए जो उसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, और क्या है उसका वेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्या है वो बढ़ जाता है, और जो हमारा डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी जो कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट है कूल की, वो उसको डिफेक्ट करता है। तो दोस्तों क्या है मॉइस्चर क्या होता है, ये जो है अपनी हीटिंग वैल्यू होती है उसको एक तो इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि जब कोई मॉइस्चर वाला फ्यूल फर्नेस के अंदर जलेगा तो क्या है उसके साथ में वो क्या है, वो अपने साथ वेपर के साथ साथ वो अपनी हीट कैरी करके ले जाता है, जो कि जो टोटल हीट रिलीजिंग क्वांटिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। सो दैट दोस्तों ये मॉइस्चर का इफेक्ट था। अभी क्या है इस अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के अंदर जो सेकंड है वोलेटाइल मैटर। दोस्तों वोलेटाइल मैटर होती है जो नॉन कंबसेंसिबल गैसेस होती है और कंबसेंसिबल गैसेस होती है। तो दोस्तों जो वोलेटाइल मैटर के अंदर जो कंबसेंसिबल गैसेस आती है, जैसे कि मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और क्या है हाइड्रोजन है, और ये क्या है ये सारे गैसेस क्या है वोलेटाइल मैटर्स के अंदर आती है। तो दोस्तों क्या है ये एक तो देखा जाए तो ये इनकी कैलकुलेशंस क्यों ज़रूरी होती है ड्यूरिंग अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, क्योंकि जो हमारा फर्नेस का जो वॉल्यूम होता है ड्यूरिंग कंबसंस, ये क्या है जब ये रिलीज होती हैं तो क्या है वो हमारा फर्नेस का जो एरिया है, क्या वो इतने वॉल्यूम ऑफ गैसेस को ऑक्यूपाई कर पाएगा, क्या अपने अंदर उतनी स्टोर कर पाएगा ड्यूरिंग द कंबसंस। यदि यदि हमारे वॉल्यूम ऑफ गैसेस जनरेशन हाई होगी तो क्या है इवन क्या है हमारा फर्नेस ब्लास्ट हो सकता है, या फिर हमारा पंचर हो सकता है फर्नेस लाइक दैट। तो दोस्तों क्या है ये सारी जब हम फर्नेस का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी चीज़ें वोलेटाइल मैटर कंसिडर की जाती है। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एस, दोस्तों देखा जाए तो एस हर एक उसमें प्रेजेंट होती है, या हम अपना सॉलिड फ्यूल फायर के बारे में बात कर ले, या फिर हमारे जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, या फिर बगास है, या बायोमास फ्यूल है, उनमें क्या हर एक में एस परसेंटेज होता है। सो दैट क्या है वैसे देखा जाए तो एस होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ आवर कोल जनरेशन, जहाँ से हमारा कोल पैदा होता है, क्या है ड्यूरिंग द सराउंडिंग क्या है अपना क्या है जो एस जनरेशन है वो क्या है वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। सो दैट एस देखा जाए तो फ्यूल के अंदर होता है, वो इवन देखा जाए तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कोल में 9-10% क्या है मोस्टली एस पाया जाता है कोल्स के अंदर। यदि मैं इंडोनेशिया कोल की बात करूं तो दोस्तों क्या है जो एस है, एस क्या है दोस्तों जो एक तो एस तो होनी चाहिए, लेकिन क्या है एस की क्या प्रॉपर्टी है वो ड्यूरिंग द कंबसन क्या है वो उस टेम्परेचर पर जाकर क्या है सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट हो जाने के बाद क्या है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, जिससे कि हमारा क्लिंकर फॉर्मेशन होता है। सो दैट्स दोस्तों क्या यदि देखा जाए तो जो अपनी एस होती है, एस के अंदर होता क्या है आपको शायद पता होगा कि जो हमारी एस होती है उसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है सिलिका होता है, फिर एल्यूमिना होता है, और अपने जो मैगनीज है या फिर आयरन ऑक्साइड है, ये क्या है ये एस के कंस्टिट्यूएंट होते हैं। तो दोस्तों जिस टेम्परेचर पर आके जो हमारी एस फ्यूजन हो जाता है उसके हम एस फ्यूजन टेम्परेचर बोलते हैं। तो देखा जाए जब हम अपना कोल सिलेक्शन करते हैं कि उसमें जो एस परसेंटेज है जितनी कम होगी तो क्या है हमारा जो एस फ्यूजन टेम्परेचर वो काफ़ी हाई होगा, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जो नंबर ऑफ जो एस फ्यूजन टेम्परेचर जितना लो होगा तो उतनी ही जल्दी हमारे क्या है क्लिंकर फॉर्मेशन फर्नेस के अंदर होगा। तो दोस्तों ये है कि हमारा जो एस जन है ये होता है, लेकिन क्या है ये ड्यूरिंग द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इसको भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्ट डालता है फॉर द कोल सिलेक्शंस एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ कोल। तो क्या अभी देखते हैं कि अभी नेक्स्ट है फिक्स कार्बन। फिक्स का मतलब कि वही एक्चुअल अमाउंट में कितना कोल के अंदर कार्बन है, जो कार्बन मीन्स दैट कि जो टोटल हीट होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कार्बन के ही अंदर होती है इन द
कॉल। तो दोस्तों ये फिक्स कार्बन कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता, मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो फिक्स कार्बन है वो क्या है, जो हमारा टोटल मास ऑफ कॉल है और माइनस जो हमारा टोटल मास ऑफ वोलेटाइल मैटर है उससे, उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है हमारा फिक्स कार्बन आएगा। तो दोस्तों फिक्स कार्बन जो अल्टीमेट कार्बन एनालिसिस होती है उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि जो हमारा प्रोक्सीमेट एनालिसिस से जो फिक्स कार्बन आया तो क्या उसमें से क्या हमने क्या वोलेटाइल मैटर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो तभी हमारा फिक्स कार्बन आ गया। लेकिन ड्यूरिंग अल्टीमेट एनालिसिस ये डिफरेंट होता है, क्योंकि जो हमारा वोलेटाइल मैटर है ड्यूरिंग द कम्बशन तो उसमें से क्या है हीट रिलीज करके लेके गया, सो दैट जो हमारे अल्टीमेट एनालिसिस से जो फिक्स कार्बन की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, जो हमारी प्रोक्सीमेट एनालिसिस से जो फिक्स कार्बन की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। सो दैट ये तो थी कि भाई जो प्रोक्सीमेट एनालिसिस है अपनी उसमें से क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं और कौन कौन सा फैक्टर है हमारे, जैसे कि वोलेटाइल मैटर जो कि अपना वॉल्यूम ऑफ फर्नेस डिजाइन करने के काम आता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्टर हम प्रोक्सीमेट एनालिसिस में कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट है वो है अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस में यदि बात करें कि भाई कितना मूलभूत रूप में कितना मूलभूत जांच हम उसको बोल सकते हैं, यदि देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मूलभूत जांच, अल्टीमेट का मतलब होता है मूलभूत, मूलभूत जांच, अल्टीमेट का मतलब होता है मूलभूत जांच कि भाई जो इसमें क्या है एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो कंस्टिट्यूएंट है इसके बारे में हम बताते हैं, तो इसी को क्या बोला गया है मूलभूत जांच कि भाई इसमें जो एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ फिक्स कार्बन की हमें पता चल जाती है। तो दोस्तों यदि इसमें जो जो अल्टीमेट एनालिसिस में हम क्या क्या कंसिडर करते हैं, सबसे पहले इसमें है कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और एस। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें क्या है हम अल्टीमेट एनालिसिस में ही ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हैं। दोस्तों जो अपनी कार्बन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है, तो दोस्तों ये तो जो हमारे कोल की जीसीबी यही चीज़ें फैक्टर डिसाइड करती है, यही हीटिंग वैल्यू को डिसाइड करते हैं ड्यूरिंग अल्टीमेट एनालिसिस। जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, जो हीटिंग वैल्यू होती है कोल की वो इन्हीं को ही मिलाकर हम हीटिंग वैल्यू जो कोल की है वो डिसाइडेड करते हैं। तो दोस्तों ये तो ऑक्सीजन है, ये तो हेल्प करती है ड्यूरिंग द कम्बशन, लेकिन क्या है नाइट्रोजन क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कोई भी हीटिंग वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता, इसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। और अभी नेक्स्ट है एस, एस क्या है, जैसे कि इन द सेंस ऑफ देखा जाए तो एस क्या है, इवन जो अपना सॉरी दैट ये जो हम मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना भूल गया आपको, यह ये सल्फर क्या है, ये सल्फर क्या है, ये जो एक लिटिल बिट क्या है हीटिंग वैल्यू को एडअप करने का काम करती है, इसमें थोड़ा हीटिंग वैल्यू होती है, लेकिन क्या है इसकी के साथ साथ इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग कम्बशन। सल्फर क्या है, सल्फर रीजन बनती है सल्फर डाइऑक्साइड का, जो कि आगे चल के कोरोसिव इफेक्ट करता है इनसाइड द बॉयलर पार्ट ड्यूरिंग द कम्बशंस। तो ये क्या है, जितनी ही कम अमाउंट में सल्फर होगी उतना ही बेटर होगा ड्यूरिंग क्या है, जो कि एसिड ड्रेन के बारे में आपने सुना होगा। तो ये क्या है, जब कोल में जो सॉक्स नॉक्स प्रोड्यूस होता है, सल्फर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट। तो क्या है, सल्फर जितनी कम मात्रा में कोयले के अंदर होगी उतना ही बेटर रहेगा। तो नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा टेक प्लेस नहीं करती ड्यूरिंग द हीटिंग वैल्यू। और अभी नेक्स्ट है एस, एस ऑलरेडी मैं यहाँ पर इसके एडवर्स इफेक्ट अपनी प्रोक्सीमेट एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई एस कैसे किस तरीके से इफेक्ट डालती है ड्यूरिंग। तो दोस्तों जो ये अल्टीमेट एनालिसिस जो क्या है, कहने का मतलब है कि भाई यदि सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं
जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस है उसमें जो कैलकुलेशंस की जाती है वो क्या है, मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर और एस, और आफ्टर दैट फिक्स कार्बन। फिक्स कार्बन क्या है, 100 जो टोटल मास ऑफ द कोल होता है उसमें से वोलेटाइल मैटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमें फिक्स कार्बन की वैल्यू पता रहेगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम मॉइस्चर नहीं कैलकुलेट करते ना ही वोलेटाइल मैटर करते, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अपनी कार्बन, इसमें जो जो लेबोरेटरी में हम सैंपल प्रोवाइड करते हैं तो क्या है, जो उसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीटिंग वैल्यू हमें मिलती है, जैसे कि हम कभी कोल्ड की टेस्टिंग करते हैं तो उसमें जब हम अल्टीमेट एनालिसिस को ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि क्या है, जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये अनुमानित आइडिया देती है, ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं देती। यदि हमें एग्जैक्ट आइडिया चाहिए तो क्या है, वो हमें अल्टीमेट एनालिसिस से पता लगेगा, तो जिसमें कि फिक्स कार्बन की जो परसेंटेज है हमें पता लग जाती है इसी से कि भाई एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ हीटिंग वैल्यू क्या है। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये जो डिफरेंस है रिगार्डिंग टू अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वर्सेज अल्टीमेट एनालिसिस आपको क्या है क्लियर हुआ होगा। यदि दोस्तों अभी आपको लगता है कि इससे में कोई आपको दिक्कत है समझने में, यदि आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। यदि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से क्या है, मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिगार्डिंग काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों देर ना करते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, आप उसमें कुछ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि मैं उसको उसके बिहाफ पे क्या मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।